गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर के हिंदी ग्रामर का पार्ट थ्री पढ़ाएंगे। पार्ट का नाम है संज्ञा की पहचान। इसमें पढ़ेंगे परिभाषा, संज्ञा की, संज्ञा के भेद, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा की पहचान। अमित और विमल पार्क में बैठे थे। दोनों मित्र थे, उनकी मित्रता पक्की थी। पार्क में एक कुत्ता बैठा था, वह अचानक भौंकने लगा। उसने एक बिल्ली को देख लिया था। बिल्ली सड़क के किनारे बैठी रोटी खा रही थी। अमित ने कुत्ते को पुचकारा, विमल को हंसी आ गई। उसने उसे बिस्कुट खिलाया, फिर दोनों मित्र घर की ओर लौट चले। आइए अब नामों की सूची बनाते हैं। अमित, विमल, पार्क, मित्र, कुत्ता, बिल्ली, सड़क, रोटी, बिल्कुल, बिस्कुट, घर। आपने देखा कि सूची में आया नाम क्या क्या है। व्यक्ति के नाम अमित, विमल, मित्र। प्राणियों के नाम कुत्ता, बिल्ली। वस्तुओं के नाम रोटी, बिस्कुट। स्थानों के नाम पार्क, घर। मित्रता, मित्र होने के भाव का नाम हंसी, हंसने के भाव का नाम। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों और भावों के नाम होते हैं। व्याकरण में इन नामों का भी नाम है, वह नाम है संज्ञा। अर्थात किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा, एक बार और परिभाषा जानो। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के भेद। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं। ये विशेष नाम भी हो सकते हैं और सामान्य नाम भी हो सकते हैं। बालक, जैसे बालक कहने से कोई भी बालक हो सकता है, लेकिन मदन कहने से किसी विशेष बालक के नाम का बोध होता है। कुत्ता कहने से कोई भी कुत्ता हो सकता है, लेकिन शेरू या शेरा कहने से किसी विशेष पालतू कुत्ते का बोध होता है। किला कहने से कोई भी किला और कहीं का भी किला हो सकता है, लेकिन लाल किला कहने से दिल्ली स्थित विशेष किला का बोध होता है। शहर कहने से कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन पटना कहने से उस शहर का बोध होता है जो बिहार की राजधानी है। सामान्य नाम का बोध कराने वाला शब्द जातिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है, जबकि विशेष नाम का बोध कराने वाला शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है। और आपने भावों के भी नाम दिए हैं जो भाववाचक संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के तीन मुख्य भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एक ही जैसे व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यह बालिका है, यह महल है, यह पर्वत है, यह किसी जाति विशेष की को दर्शाता है। इन वाक्य में बालिका, महल और पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द के अन्य उदाहरण बालक, बच्चा, आदमी, औरत, शेर, चीता, हाथी, चीनी, पुस्तक, नदी, शहर, देश, कागज, पेंसिल, गेहूं, चांदी, पानी इत्यादि है। अब आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे यह मारिया है, यह हवा महल है, यह हिमालय है। इन वाक्य में मारिया, हवा महल और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के अन्य उदाहरण मोहन, अहमद, पीटर, शबनम, सीता, राम, रामायण, कुरान, बाइबिल, ताजमहल, गंगा, यमुना, दिल्ली, लखनऊ, भारत, चीन, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर, हैदराबाद आदि। अब आते हैं भाववाचक। जो संज्ञा शब्द किसी गुण,
दोष स्वभाव या दशा के भाव का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे खिलौना देखकर गरिमा की उदासी दूर हो गई, पकड़े जाने पर चोर की खूब पिटाई हुई। इन वाक्य में उदासी उदास होने का भाव और पिटाई पिटने का भाव भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा शब्द के अन्य उदाहरण बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, सच्चाई, सुंदरता, हंसी, मोटापा, मिठास, चालाकी, चतुराई, दूरी, मित्रता, शत्रुता आदि है। यह भी जानिए दो और समूहवाचक द्रव्यवाचक अलग अलग समूह के भी कुछ नाम होते हैं। जैसे लोगों की भीड़, चाबियों का गुच्छा, नोटों की गड्डी, इसमें भीड़, गुच्छा और गड्डी समूह के नाम हैं, इसीलिए इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उनके नाम द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे 1 लीटर तेल, 5 किलोग्राम गेहूं, 2 मीटर कपड़ा। तेल और कपड़ा को नापा जा सकता है जबकि गेहूं को तोला जा सकता है। ये नाम द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द हैं। याद रखिए समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है। एक बार और संज्ञा का परिभाषा जानिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। थैंक यू।